खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विदिशा सांची रोड स्थित नवीन चिकित्सालय भवन 350 बेड के नए हॉस्पिटल का लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के कर कमलों से हुआ। खेल स्टेडियम में स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, प्रभारी मंत्री हर्ष यादव, विधायक शशांक भार्गव, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा, बासौदा विधायक लीना जैन सहित कांग्रेस के पूर्व विधायक निशंक जैन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। अब जिला हॉस्पिटल माधवराव सिंधिया के नाम से जाना जाएगा एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा 350 बेड का नहीं 500 बेड का होना चाहिए और पुराना अस्पताल भी बंद नहीं किया जाएगा। वहीं आम सभा को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अस्पताल के इस उद्घाटन पर 350 बेड का ये मुझे कहा गया, मांग करी गई। ये मांग की आवश्यकता नहीं थी, ये मांग की आवश्यकता नहीं थी। मैंने तो खुद तय कर लिया था यहाँ आने के पहले कि मेरे साथी, मेरे मित्र माधवराव सिंधिया जी के नाम पर यह अस्पताल होगा। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, माधवराव सिंधिया जी के नाम पर 350 बेड का हॉस्पिटल होए ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये 500 बेड का होगा। खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।